हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह ही उत्तराखंड में भी धामी सरकार अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इस बीच उधम सिंह नगर में पुलिस ने फरार हत्यारोपी का मकान ढहा दिया है। बीते गुरुवार को सुभाष कॉलोनी में लेन देन के विवाद में महिला साथी समेत चार लोगों की मदद से युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। अब पुलिस ने मुख्य आरोपित नवाब के घर और गोदाम पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि 18 मई की देर रात सुभाष कॉलोनी निवासी सद्दाम की हत्या कर शव काशीपुर रोड पर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने गंगाराम और शहनवाज को गिरफ्तार कर लाश बरामद कर ली थी। पूछताछ में यह पता चला कि लेन देन के विवाद में कबाड़ी नवाब और उसकी महिला दोस्त निशा तथा जुबैर ने उसे नग्न कर गला दबाकर हत्या की थी। बाद में उन्होंने तीनों के साथ मिलकर ब्लेड और ईंट तथा चाकू से चेहरा शत विशत कर दिया था। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था, जबकि बाद में जुबैर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को पुलिस ने मुख्य हत्यारोपित नवाब और उसकी महिला दोस्त निशा को भी गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इसके बाद संभागीय खाद्य नियंत्रक एसडीएम प्रत्युष सिंह और सीओ सिटी अभय सिंह के नेतृत्व में कोतवाल विक्रम राठौड़, थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैम सुंदरम शर्मा, एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी, पुलिस की टीम हत्यारोपित नवाब के सुभाष कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंची, जहां टीम ने पहले बुलडोजर से नवाब के कबाड़ के गोदाम को ध्वस्त किया, बाद में उसके मकान को भी ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस टीम को निर्देशित किया था कि अभियुक्त की संपत्ति की जांच की जाए। प्रशासन और पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान हत्या के अभियुक्त नवाब के बारे में अवैध रूप से अतिक्रमण कर कबाड़ का गोदाम व मकान बना होने की जानकारी मिली थी, जिस पर पुलिस की मौजूदगी में अभियुक्त के बुलडोजर से अवैध गोदाम और घर को ढहाया गया। बीते दिनों जो रुद्रपुर में सद्दाम हत्याकांड हुआ था, उसमें मुख्य अभियुक्त था जिसने बाकी बाहर के लोगों को बुलाकर सद्दाम को मरवाया है, वो है नवाब। मुख्य अभियुक्त को हमने तो जेल भेज दिया है, लेकिन बाद में विवेचना के दौरान ये भी तथ्य में पाया गया कि सरकारी संपत्ति जो एफसीआई का गोदाम, एफसीआई के जो लैंड है, उसके भारी मात्रा में लार्ज लैंड को उसने कब्जा कर वहाँ पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करके गोदाम बनाया है। तो उसी चीज़ को हमने प्रशासन और एफसीआई को भी संज्ञान में लाया। बाद में पदाधिकारीगण द्वारा उस अवैध आज जो है उस अवैध निर्माण को एफसीआई के पदाधिकारीगण और प्रशासन द्वारा उस निर्माण का ध्वस्तीकरण कर लिया गया। तो इस तरह से हम जो है भविष्य में भी जो क्रिमिनल्स होते हैं जो अवैध रूप से धन संपत्ति अर्ज करके आर्थिक व्यवस्था बनाए रखे हैं, उस अवैध आर्थिक व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी को हम नष्ट करने का हम कार्य लगातार प्रचलित। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।